हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आज साडा 10th क्लास दे विच मैथ्स दा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तुसी डेली लाइफ च भी बहुत वारी सुनिया होना है, जिवें असी कई बार गल करते हुए कह दिंदे आ भई ये चीज हो सकती है, हो सकता है अज बारिश होवे, हो सकता है, मतलब सानू डाउट है, लग रहा है कि हो सकती है, हुन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, सर्टेनिटी नहीं है, कुछ फाइनल नहीं है, सानू लग रहा है कि बारिश होएगी तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट मे रेन टुडे, मतलब संभावना है। जे असी मैच देखते देखते गल करिए तो असी कह देने हैं इट इज प्रोबेबल दैट इंडिया मे विन, इंडिया मे विन द मैच, मतलब असी अपना गेस लगाने हैं। हुन अगों वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इंडिया में विन द मैच में हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जे प्रोबेबिलिटी दा असी हिंदी च देखिए मतलब है संभावना, मतलब कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, असी 100% श्योरिटी नाल नहीं कह सकते कि ये होएगा ही होएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी शुरू कितना हुई, बड़े इंटरेस्टिंग वे शुरू हुई। 17th सेंचुरी दे विच एक गैम्बलर सी, गैम्बलर दा नाम सी शैवले डी मेरे। एक सिगा गैम्बलर, गैम्बलिंग करदा सी, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द गेम्स ऑफ डाइस, डाइस ना रिलेटेड जिहड़ियां गेम्स हुंदियां पहले चलदियां सी, पासे वालियां गेम्स, महाभारत दे विच वी आंदा है, ਉਹ ਪਾਸਾ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਂਬਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਲੇਸ ਪਾਸਕਲ। ਬਲੇਸ ਪਾਸਕਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕਲੀਗ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰੇ ਡੀ ਫਰਮਟ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਫਰਮਟ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਦ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੇਗਾ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਟ ਮੇ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ, ਬਟ ਵਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ। Those experiments are known as random experiments. For example, tossing a coin. अगर ऐसी coin toss करिए, या तो head आएगा या tail आएगा, सानू पक्का पता है या head आएगा या tail आएगा, पर ये नहीं पता exactly की आएगा। ऐसी अपने guess दस सकते हैं, या head आएगा या tail आएगा, पर definitely sure होके नहीं कह सकते कि head ही आएगा या tail ही आएगा। आएगा जरूर, पर दोनों जो कुछ एक आएगा। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट केड़े ने, जेड़े करन तो पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर दोज एक्सपेरिमेंट्स in which what may happen are known to us
इज नॉन टू अस बट what will exactly happen is not known to us. For example, tossing a coin. For example, tossing a coin. सानू पता है या हेड आएगा या टेल आएगा पर एग्जैक्टली दोनों जो की आएगा नहीं पता. और एग्जांपल है रोलिंग का डाई. एक जड़ा लूडो वाला गीटा है उन्हें रोल करना. सानू पता है या वन आएगा या टू आएगा या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स या वन टू थ्री फोर फाइव या सिक्स है ना. छे दे विचो कुछ आएगा पर एग्जैक्टली की आएगा कभी भी नहीं पता होगा. टॉसिंग अ कॉइन चो या हेड आएगा या टेल आएगा पर एग्जैक्टली की आएगा ये सानू नहीं पता. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट्स इन विच व्हाट मे हैपन इज नोन टू अस बट व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन इज नॉट नोन टू अस. एक जनरल लैंग्वेज विच मैं तुहानू समझाया वैसे यदि एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि कोई भी एहो जिहा एक्सपेरिमेंट जिन्हों असी आइडेंटिकल कंडीशंस दे विच जिन्नी वारी मर्जी रिपीट करिए आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स हमेशा सेम रहे. जिवें अगर क्वाइन है उन मैं जिन्नी वारी मर्जी टॉस करा हर बारी दो ही पॉसिबल आउटकम्स है हेड और टेल. कभी भी ये नहीं है कि मैं चार बारी टॉस किया तो आ सके आउटकम्स पंजी बारी टॉस करा तो शायद आउटकम्स चेंज हो जाए. नो वैन we repeat the experiment under same identical conditions we get the same possible outcomes. outcomes ki possibility nahi change ho rahi. ha ho sakta hai kadi head aaya kadi tail aaya par ena dono to ilawa kuch nahi aayega. those experiments are known as random experiment. agla sade kol hai what is outcome. jede sade kol experiment karan to baad possibilities hai जो रिजल्ट्स पॉसिबल ने उन्होंने असं कहने आउटकम्स. रैंडम एक्सपेरिमेंट तो बाद अगली टर्न है आउटकम्स. द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ रैंडम experiment are known as outcomes. jime jadon assi coin toss karange agar head aa gaya ta oh ki aaya sada outcome. tail aa gaya ta oh vi ki hai outcome. outcomes to baad agli turn hai event. collection of sum of outcomes. कुछ आउटकम्स नू कलेक्ट कर लो तो वो की है साडे कोल इवेंट. तुसी इक्को आउटकम भी रख सकते हो दो भी रख सकते हो चार भी रख सकते हो इदां भी हो सकता है कोई भी आउटकम ना रखो खाली सेट रख लो तो वो भी की है इवेंट. सो कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स इज नोन एज इवेंट. एक होर है साडे कोल सैंपल स्पेस. रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम इवेंट अगला है साडे कोल सैंपल स्पेस. प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है. सिर्फ ये तीन चार डेफिनेशंस तुसी अपने दिमाग दे विच रखनी है. नेक्स्ट है सैंपल स्पेस. कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज sample space of the experiment. of the experiment sample space ki hai. dekho event aur sample space ki farak si. event de vich assi sirf kuch outcomes lene hai. ik vi le sakde ha do vi le sakde ha sare vi le sakde ha ho sakda koi vi na liya hove. sample space ki farak hai sare de sare
छड़ना, एक एक्सपेरिमेंट दे सारे आउटकम्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाई रोल की थी तो पॉसिबल आउटकम्स की है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एनु बंद कर देना है करली ब्रैकेट्स दे विच। तो एक ही है साडे कोल सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, एनु असी नाम देने हैं एस। सो हुण तक असी ये देखिया प्रोबेबिलिटी की शुरुआत किस तरह हुई, एक गैम्बलर ने एक मैथमेटिशियन ते फिलोसफर नु अप्रोच किया, उन्हें अगो अपने फैलो कलीग नु अप्रोच किया, दोवां ने मिलकर डिस्कस की, उत्थों साडी प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई 17th century दे विच। फिर उस तो बाद असी पढ़िया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की है, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो बाद आउटकम, आउटकम की है द पॉसिबल रिजल्ट्स, जो भी हो सकते हैं उन्होंने की कहने हैं आउटकम, इवेंट की है आउटकम्स की कलेक्शन जिन्हें मर्जी हो सकते हैं, सैंपल स्पेस की है फिर आउटकम्स की कलेक्शन, ए जिन्ने मर्जी नहीं ए सारे के सारे आउटकम्स होने चाहिए है, उन्होंने असी की कहने सैंपल स्पेस। चलो सैंपल स्पेस तो बाद अगली टर्न है वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट, कोई भी इवेंट है असी वो प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करनी है वह असी फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई किसी भी एनु असी इस तरह रीड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, इन शॉर्ट एनु इस तरह लिख दे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ possible outcomes probability of event e is equals to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes jinne e de favor de vich hai oh upar rakhna hai jinne total ne oh assi niche rakhna hai for example assi ohi wala apna lenne ha sample space rolling a die je main keh dewa find the probability of getting even number, find the probability of getting even number ta probability of e e de vich event de vich ki hai even numbers dekho even number kinne favor de vich hai ek a even hai ek a even hai ek a even hai 1 2 3 3 are even numbers तो 3 असी ऊपर रखना है टोटल किन्ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 असी डिनोमिनेटर च रखना है तो आंसर इज 1/2 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2 दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। हुण साडे कोल जेडे प्रोबेबिलिटी च मेन क्वेश्चंस आंदे है 10th क्लास दे विच वो हो सकदे है डाइस प्रॉब्लम नाल रिलेटेड हो, डाइस मतलब यही टेक डाइस नाल रिलेटेड हो सकते हैं, क्वाइन नाल रिलेटेड हो सकते हैं, ते होर किते नाल रिलेटेड हो सकते हैं साडे कोल कार्ड्स नाल रिलेटेड, मेन यही तीन ने, सानू तिन्ना दी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए है। सब तो पहले असी कार्ड्स दी नॉलेज लैने आ, देखते हैं कार्ड्स साडे कोल सानू पता है टोटल किन्ने कार्ड्स हुंदे है 52 कार्ड्स हुंदे, 52 कार्ड्स दे विच किस किस तरह के किन्ने कार्ड्स पे है ये सानू चंगी तरह पता होना चाहिए है। प्रोबेबिलिटी शुरू करने तो पहला असी अपने कार्ड्स की नॉलेज देखनी है, सो मैं तुम्हें पूरे कार्ड्स की नॉलेज दे रही हूँ तो इसे चंगी तरह नोट करना है और याद करना है। जेडे साडे कोल टोटल कार्ड्स ने, टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर 52, साडे कोल 52 टोटल कार्ड्स ने, 52 कार्ड्स दे विचों अद्धे रेड है अद्धे ब्लैक है, मतलब साडे कोल 52 दे विच्चों रेड कार्ड्स केड़े ने किन्ने ने 26 आर रेड कार्ड्स एंड 26 आर ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स किन्ने ने साडे कोल ए भी किन्ने 26 52 दे हाफ रेड है 26 और ब्लैक कार्ड्स भी किन्ने 26। हुण जिहड़े रेड कार्ड्स ने रेड कार्ड्स दे विच दो तरह के कार्ड्स ने, एक तो हार्ड कार्ड्स एक केड़े ने हार्ड कार्ड्स एंड डायमंड कार्ड्स, हार्ड एंड डायमंड
हार्ट कार्ड्स किन्ने ने 13, डायमंड कार्ड्स किन्ने ने 13, और जड़े ब्लैक कार्ड्स ने, ब्लैक दे विचों साडे कोल स्पेड कार्ड किन्ने ने 13, और क्लब कार्ड्स किन्ने ने अगेन 13। 13 आर हार्ट कार्ड्स, 13 आर डायमंड कार्ड्स, 13 आर स्पेड कार्ड्स एंड 13 आर क्लब कार्ड्स। हुण देखो टोटल 52 सी, 52 दे विच 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। जिहड़े 26 रेड कार्ड्स ने उहनां दे विचों 13 दे उत्ते हार्ट वाला सिंबल बनिया होएगा, 13 दे उत्ते डायमंड वाला सिंबल बनिया होएगा। तुसीं नोट कीता होएगा हार्ट इस तरह बनिया हुंदा कार्ड्स दे उत्ते और डायमंड इस तरह बनिया हुंदा। ए सिंबल किदा है डायमंड दा, ए किदा है हार्ट दा। फिर आंदा है साडे कोल क्लब एंड स्पेड। क्लब दे विच एदा दा साडे कोल बनिया हुंदा है, दिस इज क्लब कार्ड, क्लब कार्ड्स एदा दा सिंबल बनिया हुंदा है, और स्पेड दे विच एदा दा सिंबल बनिया हुंदा है पान। ठीक, उस तो बाद चलो पहले 52 डिवाइडेड इनटू 26 एंड 26, 26 डिवाइडेड इनटू 13 एंड 13, इधर भी 13 एंड 13। हुन जड़े 13 कार्ड्स ने, चारा दे विच 13 कार्ड्स किस तरह दे हुंदे ने, दीज आर द 13 कार्ड्स, इस तरह दे बने हुंदे हैं। कार्ड दे विच पहले लिखा होएगा ए, सिंबल बनया होएगा हार्ट इदा, और लिखा होएगा ए। फिर एक कार्ड होएगा जिदे विच लिखा होएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं वह ए तो लेके ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड जे क्यू के 10 कार्ड्स, 9 कार्ड्स ए हो गए, 10वां कार्ड 10, फिर होएगा जे क्यू के। सब दे उत्ते हार्ट बनिया होएगा, रेड कलर दा हार्ट बनिया हुंदा है। तेरा कार्ड्स हो गए, पहला कार्ड ए, फिर नंबर दो लिखे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के। टोटल 13 कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स उत्ते हार्ट बनिया होएगा और ये रेड कलर दे विच प्रिंटिंग होएगी। फिर आही 13 कार्ड्स डायमंड कार्ड्स होंगे, कार्ड सेम होंगे, मतलब ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के, उन्हें उत्ते की बनिया होएगा डायमंड। फिर साडे कोल आही 13 कार्ड्स होंगे, उदे उत्ते स्पेड दा सिंबल बनिया होएगा, पान वाला सिंबल बनिया होएगा और वो ब्लैक कलर च होएगा। फिर 13 कार्ड्स होंगे सेम, उदे विच सिंबल क्लब वाला बनिया होएगा, वो किच प्रिंट होएगा ब्लैक कलर दे विच। सो ये सारा कुछ तुहानू पता होना चाहिए। अगे साडे कोल है इहनां दी क्लासीफिकेशन किस तरह हुंदी है, असीं इहनां नू काउंट करदे आ। टोटल साडे कोल जड़े आ गए हार्ट कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स एंड क्लब कार्ड्स। फिर आंदा साडे कोल किंग कार्ड्स किन्ने ने, जैक किन्ने ने, क्वीन किन्ने है, कोर्ट कार्ड्स किन्ने है, फेस कार्ड्स किन्ने है, सूट्स किन्ने है टोटल। ठीक है, हुण असीं ये सारा कुछ देखना है साडे कोल किन्ने सूट्स ने। वी हैव टोटल 4 सूट्स, तुसीं इहनू चंगी तरह नोट करना है। अगों असीं देखदे आ What are total number of suits? देखो total number of suits we have 4, केड़े केड़े heart, heart तो बाद diamond, club and spade, these are 4 suits। फिर साडे कोल टोटल हार्ट कार्ड्स किन्ने हैं उसी पहले लिख चुके हैं, 13, डायमंड किन्ने हैं 13, क्लब किन्ने हैं 13, स्पेड किन्ने ने 13। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स,
ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 12। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡਸ, ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡਸ। ਕਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਸੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਪਿਆ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇ ਪਿਆ, ਡਾਇਮੰਡਸ ਪਿਆ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਔਰ ਸਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, 2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਲੈਕ ਕਿੰਗ। 2 ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ, 2 ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਪਲੱਸ 2 ਬਲੈਕ ਕਿੰਗਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਈਨ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 4 ਹੋਣਗੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੈੱਡ ਕੁਈਨ, 2 ਬਲੈਕ ਕੁਈਨ। 2 ਰੈੱਡ ਪਲੱਸ 2 ਬਲੈਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੈਕ ਕਾਰਡਸ। ਜੈਕ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ 4, 2 ਰੈੱਡ, 2 ਬਲੈਕ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਏਸਿਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਏਸਿਸ, ਏ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਏਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਏਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 4 ਨੇ। 2 ਰੈੱਡ ਹੈ, 2 ਕੀ ਹੈ? ਬਲੈਕ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਡ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ ਹੈ, ਏਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਏ, 2 ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬਲੈਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏਸ ਇਨ ਹਾਰਟਸ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਏਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਈਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੈਕ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਏਸਿਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕਾਰਡਸ। ਕੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 16, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੈਕ, ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਏਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਕ, ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਈਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਰਟ ਕਾਰਡਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ? 13। ਡਾਇਮੰਡ 13, ਕਲੱਬ 13, ਸਪੇਡ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 13। ਇਹ ਮੇਨ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ 2 ਬਲੈਕ ਕਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੈਕ ਕਿੰਗਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਕਿੰਗਸ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਸਪੇਡ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਈਸ ਦੀ। ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈ ਔਰ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈਸ। ਡਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈਸ, ਇੱਕ ਡਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਈਸ। ਡਾਈ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਈਸ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਾਈ ਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਲਿੰਗ ਅ ਡਾਈ, ਰੋਲਿੰਗ ਅ ਡਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਜਾਂ 1 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2, ਜਾਂ 3, ਜਾਂ 4, ਜਾਂ 5, ਜਾਂ ਫਿਰ 6। ਰੋਲਿੰਗ 2 ਡਾਈਸ ਟੂਗੈਦਰ, ਰੋਲਿੰਗ 2 ਡਾਈਸ ਟੂਗੈਦਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਡਾਈਸ ਇਕੱਠੇ ਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਡਾਈਸ ਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਈਸ 'ਤੇ 1 ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆਵੇ? 1। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਡਾਈ 'ਤੇ 1, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1। ਸੋ 1-1 ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ 1, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ 2, ਮਤਲਬ 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਡਾਈ 'ਤੇ 2 ਆਵੇ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ 1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 and 2-6। These are the possibilities. Then possibilities are 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 and 3-6. ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਡਾਈ 'ਤੇ 1, ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ 4, ਫਿਰ 1, ਜਾਂ 4-2, 4-3, 4-5, 4-4,
एंड 4 6 ए भी पॉसिबिलिटी है, इस तरह भी हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड लास्ट इच की आज 5 6 इस तरह भी पॉसिबिलिटी है 6 1 6 2 एंड 6 6 दीज आर द पॉसिबिलिटीज है ना, जो कुछ भी आ सकता है. सो दिस इज द सैंपल स्पेस. जैसे काउंट करिए कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल काउंट करांगे तो कितने आएंगे 36 36 टोटल आउटकम्स ने एदे विच, और एदे विच कितने ने 6. जे डाइस नो 3 वारी रोल कर दे, रोलिंग 3 डाइस टुगेदर, ता साडे कोल 216 आउटकम्स आ रहे सी. किस तरह 1 1 1 1 1 2 1 1 3 इस तरह करके 216 आउटकम्स आ रहे सी. अच्छा किद्दा पता चलता है किन्ने आउटकम्स आ सकते, ये तुसी ध्यान च रखना है. पहले देखो एक वारी रोल करे ते किन्ने आ सकते हैं 6. जिन्नी वारी रोल करना है ना, जे 2 वारी रोल करना है तो 2 बेस बना लो, सॉरी एक वारी रोल करे ते किन्ने आए 6, तो 6 की पावर 1. 2 वारी रोल करे ते देखना है तो 6 की पावर 2. 3 वारी रोल करे ते देखना है तो 6 की पावर 3. ठीक है, इस तरह चलेगा. एक वारी रोल किया तो पावर 1 करनी है, 2 वारी तो पावर 2, 3 वारी तो पावर 3. बेस की रखना है, पहले तुसी काउंट कर लेना है एक वारी किया तो किन्ने आए आउटकम्स, फिर जिन्नी वारी तुसी वो आउटकम करना है एक्सपेरिमेंट करना है तो ओदी पावर 19 रेज कर देनी है, तो ये थोड़े को आंसर होएगा. सो हुण तक असी कार्ड्स देखिया, फिर असी रोलिंग डाई देखिया. एक वारी करांगे तो यह सैंपल स्पेस बनेगी, 2 वारी करांगे तो यह सैंपल स्पेस बनेगी, 3 वारी तो बहुत ज़्यादा ने 216 वो मैं नहीं लिखूंगी. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह लिखना है. 1 1 1 करके फिर 1 1 2 फिर 1 1 3 इस तरह, फिर 1 2 1 1 2 2 1 2 3 इस तरह करके 216 आउटकम्स बनेंगे. नेक्स्ट असी देखते हैं कॉइंस. अगर असी एक कॉइन टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस किया तो साढ़े को या तो हैड आएगा या टेल. दिस इज आर सैंपल स्पेस. अगर असी 2 कॉइन टॉस किए, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, इको टाइम पर 2 कॉइन टॉस किए तो साढ़े को या तो आएगा हैड हैड, पहले तो हैड दूसरे तो हैड, या साढ़े को आएगा हैड टेल, या टेल हैड, या फिर टेल टेल. So this is a sample space of tossing 2 coins together. अगर 3 coins toss किते हैं, tossing 3 coins, तो साड़ी कुल की आ सकता है, हो सकता है तिन्ना ते head आवे, head head head, हो सकता है head head tail, हो सकता है head tail head, tail head head, या फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल. तीनों वारी हेड, या फिर 2 वारी हेड 1 वारी टेल. 2 वारी हेड 1 वारी टेल दी किड़िया पॉसिबिलिटीज ने, हेड हेड तीसरी वारी टेल हो सकता है तीसरे कॉइन ते, या दूसरे कॉइन ते, या पहले कॉइन ते, सारिया जिहड़िया प्रोबेबिलिटीज है डिस्कस करनियां है. हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हैड एंड टेल टेल टेल. फिर देखो जिवें मैं तुहानू डाइस वाले समझाया सी, तुसी ये नोट करना है एक बार टॉस करो तो किन्ने आउटकम्स ने 2. अगर 2 वारी करना है तो जो एक वारी आया सी उदी पावर किन्नी कर देनी है 2. 3 वारी कीता तो बेस उही रहना है जो एक वारी करे ते आया सी 2 रेज टू पावर जिन्नी वारी कॉइन टॉस कीता 3, तो आंसर इज 8. ऐसे तरह अगर 4 कॉइन टॉस करांगे तो 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 5 करांगे तो 32 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. ज़्यादातर क्वेश्चन 3 या 4 कॉइन्स तक आंदा है, 4 कॉइन्स वाली सैंपल स्पेस उसी अपने आप बनाने की कोशिश करनी है, उदे विच टोटल 16 आउटकम्स आएंगे. सो हुण तक असी देखिया अगर असी कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स की है, 1 वास्ते 2 वास्ते 3 वास्ते. अगर असी डाई रोल करते
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨੋਲੇਜ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ ਆਰ 52 26 ਰੈਡ 26 ਬਲੈਕ 13 ਹਾਰਟ 13 ਡਾਇਮੰਡ 13 ਕਲੱਬ 13 ਸਪੇਡ 4 ਕਿੰਗਸ 4 ਕੁਈਨਸ 4 ਜੈਕਸ ਐਂਡ 4 ਏਸ ਠੀਕ ਕੋਰਟ ਕਾਰਡ 16 ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਕ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਆਇਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਐਟਲੀਸਟ ਟੂ ਹੈਡਸ ਵੈਨ ਥ੍ਰੀ ਕੁਆਇਨਸ ਆਰ ਟੋਸਡ ਟੂਗੈਦਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਕੁਆਇਨਸ ਆਰ ਟੋਸਡ ਟੂਗੈਦਰ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਤਿੰਨ ਕੁਆਇਨ ਟੋਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਜਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਤੇ ਹੈਡ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਲ ਜੇ ਦੋ ਤੇ ਹੈਡ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਤੇ ਟੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੇ ਟੇਲ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈਡ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੇਲ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੈਡ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਟੇਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਡ ਟੇਲ ਟੇਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਟੇਲ 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 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਟੂ ਹੈਡਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹੈਡਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹੈਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈਡਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈਡਸ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਫੇਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈਡਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਡ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਟੂ ਹੈਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਅਪਾਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 8 ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਵੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4/8 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸਿੱਖੀ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਡਾਈਸ ਦੀ ਔਰ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ